तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन जून 2021 सीएसआईआर मेट क्वेश्चन आईडी 484 A85। और ये क्वेश्चन है हमारा नंबर थ्योरी से। तो क्वेश्चन में पूछा या कि हमें कोई सेट दिया है एस जिसमें जाते एन, वो सारे नंबर आते कहाँ से, वो 1 to 99 सच दैट ये तो 3n को डिवाइड करते हैं, या तो 3n को डिवाइड करे या फिर 37 डिवाइड है, यानी कि वो सारे नंबर या तो 3n को डिवाइड करे या फिर 37 डिवाइड करे n को। हमें बताना है हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर इन द सेट एस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें पहले एस की हमें कॉर्डिनेट निकालनी पड़ेगी। अब एस में ऐसी कॉर्डिनेट एस कॉम्प्लीमेंट की, फिर उसके बाद एस कॉम्प्लीमेंट की कॉर्डिनेट के बारे में पूछेंगे कि एस कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ से, अब वो सारे नंबर जो 3 डिवाइड एन को, यानी कि 3n को डिवाइड करते, एन की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है 1 से 99 तक। तो यहाँ से नंबर कैसे कैसे, तो यानी 3, 6, 9 कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो ये टोटल कितने होंगे, कुछ इतने होंगे एलिमेंट, यानी कि वो सारे एलिमेंट कहाँ से 1 से 99 तक जिसको 3 डिवाइड करते हैं, वो एलिमेंट कितने होंगे, 333। अगर हम वो सारे एलिमेंट देखें जो 37 एन को डिवाइड करते हैं, 37 जो यानी 37 से डिविजिबल है, वो सारे एलिमेंट देखिए वो कितने होंगे, यानी कि जैसे कि 37 into 2 ऐसे ऐसे करके देखिए तो ये आता है 37 into 27, या फिर ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हो कुछ ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकाल सकते हैं, यानी कि 999/37 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा ले तो क्या आता है हमारे पास 27। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें वो आता है, यानी कि इतने नंबर आते हैं 1 से लेकर 99 तक जो 3 से डिविजिबल है, 27 हमें हमारे पास नंबर आते हैं जो 1 to 99 तक है जो 37 से डिविजिबल है। अगर हम अभी यहाँ से देखो कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे, जैसे कि हम अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 37 into 3 तो ये नंबर है 3 से भी डिविजिबल आएगा, यानी कि कुछ नंबर बीच में यहाँ पे ऐसे भी आएंगे जो 3 से भी डिविजिबल है और एंड 37 से भी, यानी कि जो वो दोनों के दोनों नंबर से डिविजिबल है। पर तो हमें एस का सेट दिया गया जिसमें या तो 3 डिवाइड करे या 37 डिवाइड करे, यानी कि जो जो नंबर है हमारे पास जो कॉमन डिवाइजर है दोनों, उनको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब कॉमन डिवाइजर एक्सक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ही हमें 3 और 37 की एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3 का और 37 का। ठीक है, 3 का और 37 का एलसीएम होता है 1, 1, 1, यानी कि जो जो नंबर है वो 111, यानी 111 से डिविजिबल होंगे वो एलसीएम में आ जाएंगे, यानी वो सारे नंबर 3 से और एंड 37 दोनों से डिविजिबल होंगे, यानी कि उन नंबर को हमें क्या करना है, इन नंबर से एक्सक्लूड करना है। यानी कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दूं ये कितना आएगा 9, यानी कि 9 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 37 से भी डिवाइड होते हैं। अगर हम टोटल नंबर निकालो यहाँ से सेट एस में कितने आएंगे, यह आएंगे प्लस 27, ये 3 से डिविजिबल है, ये 37 से है, और जो दोनों से डिविजिबल है बोथ से, वो हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे इसमें, यानी कि 9। अगर हम इसका इनका सम करूं तो सम क्या बनता है, यहाँ से अगर इनको जोड़ेंगे तो 360 - 9 यानी कि 351। ठीक है, ये कार्डिनेट किसकी आई है, ये एस की कार्डिनेट है, यानी क्या आ रही है, एस की कार्डिनेट आ रही है, यानी कि एस के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 351। ठीक है, तो एस के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं 351। अगर एस कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनेट निकालें, कार्डिनेट एस कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, वो 999 - 351 यानी कि 846। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 6, 4, 8 हमारे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थैंक यू।